नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याएं आम बात है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां विवाद की भरमार देखने को मिली है। हालांकि अब बिहार में जमीन मामलों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि भूमि सुधार विभाग अब जमीन के म्यूटेशन को लेकर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से निपटाने की कोशिश करे, क्योंकि अब तक म्यूटेशन को लेकर आम लोगों को बाबूजी के कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे और दिन भर घूमने के बाद भी काम अटका ही रहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार विभाग की तरफ से अब सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें अब दाखिला खारिज से आवेदन को मनमाने तरीके से रद्द नहीं किया जा सकेगा। अक्सर लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि कागजी व्यवस्था के तहत उनकी जमीन के दाखिला खारिज के मामले को रद्द कर दिया गया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती थी कि आवेदन को रद्द क्यों किया गया, इसकी कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन अब नए सॉफ्टवेयर के आ जाने से कर्मियों को आवेदन रद्द करने का कारण भी बताना होगा, जिसकी सूचना आवेदक के मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर के आ जाने से अब कोई भी कर्मचारी आपके दाखिला खारिज के मामले को इन कारणों के अलावा और कोई भी कारण से आवेदन रद्द नहीं कर सकेगा। आपको बता दें, ये कारण पहले से ही इसमें दिए रहेंगे। इसमें कुल मिलाकर 35 कारणों को फीड किया जाएगा, जिसमें 15 कारणों को सामान्य श्रेणी में रखा गया है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में दाखिला खारिज के दौरान ये शिकायत काफी अधिक आती रही है कि मनमाने तरीके से आवेदनों को रद्द किया जाता है। खबरों की माने तो जमीन म्यूटेशन के आवेदन को रद्द करते ही आवेदक के मोबाइल पर एक मैसेज भेज दिया जाएगा। मैसेज के आने पर आवेदक को उनके आवेदन रद्द करने का कारण पता चलेगा। जिस कमी के कारण आवेदन रद्द हुआ है उसे दूर करने के लिए उन्हें 7 दिन का समय दिया जाएगा। उस अवधि के अंदर कमियों को दूर कर लेने पर आवेदन रद्द नहीं होगा। कर्मियों को आवेदन रद्द करने से पहले इसका जवाब देना होगा। विभाग का मानना है कि इस कदम से आवेदन रद्द करने की मनमानी खत्म होगी। इसके साथ ही कुछ समय पहले जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में अब अगर दाखिला खारिज का मामला लंबित रहा तो अधिकारी फंसेंगे। किस अधिकारी के स्तर पर कितने मामले लंबित है, इसकी सूचना संबंधित जिले के डीएम को हर हफ्ते मिलेगी। साथ ही मुख्यालय से विभाग के अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम मामलों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों की सूचना भी डीएम को भेजी जाएगी। इसी आधार पर कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जा सकेगा, तो दंड का भी प्रावधान होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।